मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत राधा कुंड छठीकरा रोड स्थित कन्हैया भोजनालय के पीछे का है, जहां भोजनालय के गंदे पानी के लिए भोजनालय स्वामी द्वारा एक बड़ा गड्ढा बनवा रखा था, जहां राधिका पुत्री राकेश उम्र करीब 5 वर्ष से खेलने के लिए कल शाम 5 बजे घर से निकली हुई थी। काफी देर न लौटने पर परिजनों को अप्रिय घटना की आशंका सताने लगी। काफी देर ढूंढने के बाद भी बच्ची का कोई भी सुराग नहीं लगा। आज सुबह जब परिजनों ने होटल के पीछे बने गंदे पानी के गड्ढे में बच्ची की चप्पल तैरती हुई देखी, तो उन्होंने गड्ढे को डंडे की सहायता से खंगाला तो बच्ची का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसे देखकर घर वालों में चीख पुकार मचने लगी। सूचना पर पहुंचे क्षेत्र के अधिकारी गोवर्धन राममोहन शर्मा, निरीक्षक प्रभारी नितिन कसाना एवं चौकी प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहले तो परिजन मना कर रहे कि बाद में क्षेत्र अधिकारी राममोहन शर्मा को समझा नहीं, पर वह मान गए एवं शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गए हैं। क्या नाम है आपका? मीना। क्या घटना हुई है? ये गड्ढा में निकली बच्ची। कौन, मतलब क्या हुआ था बच्ची को? मतलब चप्पल तैर रही, चप्पल देख रही है, जब सब इंसान भागेगा इसमें, जब बच्ची को रेत के देगी लकड़ी से तो ऊपर लिख रही है। तो क्या बच्ची बच्ची कैसे डूबी इसमें पानी में? अब ये ना मैं क्या खेलते हुए पैर फिसलने के कारण समझो ना।